गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए जुड़ते जाइए, जुड़ते हुए कमेंट जरूर करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सभी ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको एनवायरनमेंट या पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, राइट। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं, राइट। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस का आंसर आप पहले करके देखिए, पहले आप आंसर इसका आंसर करिएगा। अगर आप इसका आंसर, फिर हम देखेंगे कि अगर जो बच्चा कौन सा आंसर कर रहा है, और उसके अनुरूप मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। किस पिरामिड की बात की जा रही है? ऊर्जा पिरामिड की। ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस क्वेश्चंस को लेकर बात की जा रही है, किस चीज को लेकर बात की जा रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, सीधा और उल्टा, और हमेशा उल्टा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला का आंसर करिए, पहला क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग सभी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम बच्चों ने 99% बच्चों ने सही आंसर किया है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, हाँ या ना। अगर हम ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो ऊर्जा पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा आपको। इस पिरामिड के अंतर्गत पर्टिकुलर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। मान लीजिए उत्पादक के पास 100% की ऊर्जा उपस्थित है, ठीक है, तो इससे उसके ऊपर वाले को केवल 10% मिलेगा। फिर उसके पास जाएगा तो उसका 10%, इसके पास आएगा 1, फिर इसके पास आएगा तो इसके पास बचेगा 0.1। तो जैसे जैसे आप ऊर्जा पिरामिड में ऊपर जाते जाते हैं, ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि ऊर्जा कुछ उष्मा के मात्रा में हीट के फॉर्म में बाहर निकलता चला जाता है। तो क्योंकि उष्मा हीट के फॉर्म में बाहर निकलता चला जाता है, इसलिए हीट के पर्टिकुलर ऊर्जा की वैल्यू कम होती चली जाती है। यहाँ पर ऊर्जा की मांग है 100, यहाँ पर पर्टिकुलर लिंडमैन लॉ के थ्रू 10, फिर 1, फिर 0.1। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो कम होता चला जा रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो 10% नियम के अनुसार पर्टिकुलर हमेशा ऊर्जा ऊपर नीचे से ऊपर कम होता चला जाता है, इसीलिए हमेशा ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद श्रृंखला का सही क्रम है, हाँ ना, कौन सा खाद श्रृंखला का एक सही क्रम है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए एक सेकंड का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद श्रृंखला का सही क्रम है,
ए बी सी डी। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को आई थिंक पहली बार भी सुना होगा, ठीक है, या फिर देखा नहीं होगा, बट हमें इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने हैं ताकि पर्टिकुलर हमें कुछ नई चीजें, कुछ न्यू चीजें, कुछ नई चीजों के बारे में पता चल सके। हाँ या ना? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ या ना? अब देखिए ये जो नाम है ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है, क्योंकि मैंने यहां पर ये चीज देखी हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीजों को डाला है, पर क्योंकि ये चीज जो लिखी हुई है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम होगा, है ना? तो हिंदी में ही उसको, हिंदी में भी मैं उसको वैसे ही लिखूंगा, हिंदी में अगर लिखूंगा तो मैं इसको पर्टिकुलर इस तरीके से लिखूंगा डायटम्स, तो पर्टिकुलर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वैसा लिख कर आएगा जैसा आप इंग्लिश में देख रहे हो, फर्क कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर इसी बेस में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आंसर करते हैं इसका कि क्या है, बच्चों को तकलीफ हो रही है इस क्वेश्चन को आंसर करने में आई थिंक आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको पता होगा मरीन इकोसिस्टम का, तो मरीन इकोसिस्टम में या समुद्री इकोसिस्टम के अंतर्गत जब हम देखते हैं, तो मरीन इकोसिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे किसी भी इकोसिस्टम में प्रथम आता है पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, ठीक है, कौन आता है, सॉरी प्रोड्यूसर, है ना, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है, है ना, उत्पादक, उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता में पर्टिकुलर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और तृतीयक कंज्यूमर, इस तरीके से कंज्यूमर्स बटे होते हैं। तो हम किसी भी फूड चेन के अंतर्गत ये देखते हैं, तो सबसे पहले तो उत्पादक आता है, प्रोड्यूसर आता है। अब जब हम मरीन सिस्टम में देखते हैं, मरीन इकोसिस्टम में देखते हैं, समुद्री इकोसिस्टम में देखते हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर आता है फाइटोप्लांकटन। फाइकोप्लांकटन जो होता है पर्टिकुलर, है ना, ये समुद्री में उत्पादक होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता फाइकोप्लांकटन है। अब फाइटोप्लांकटन जो होता है वो पर्टिकुलर, जैसे अगर हम घास या ग्रास इकोसिस्टम के अंतर्गत बात करें, तो ग्रास इकोसिस्टम में ग्रास पर्टिकुलर, या अगर हम बात करें वृक्ष एक प्रोडक्शन है, उत्पादक है, जो उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर है, जो खाना बनाकर देता है कंज्यूमर्स को, वैसे ही मरीन इकोसिस्टम में फाइकोप्लांकटन होता है जो कि पर्टिकुलर समुद्री जीवों को भोजन देता है। तो फाइकोप्लांकटन को ही, फाइकोप्लांकटन को ही हम कहते हैं डायटम्स। तो फाइकोप्लांकटन हो गए डायटम्स, फिर उसका जो डायटम्स या फाइकोप्लांकटन को खाने वाले हो गए ये, और उसको खाने वाले हो गए मछली के पर्टिकुलर प्रकार जिसको हम हेरिंग्स कहते हैं। तो जिस प्रकार से मरीन इकोसिस्टम में सबसे पहले फाइटोप्लांकटन आता है, फिर जू प्लांकटन आता है, जू प्लांकटन को मछलियां खाती हैं, मछलियों को सील खाता है और सील को सार्क खाता है, तो इस तरीके से जो मरीन इकोसिस्टम का फूड चेन बनता है, वैसे ही इसका, इस इकोसिस्टम को भी अब देखिए कि मरीन इको पर्टिकुलर एक तरह का मरीन इकोसिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले डायटम्स आ गई, डायटम्स को खाने वाले ये हो गए और इसको खाने वाले ये हो गए। तो यहाँ पर फूड चेन, क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर फिश सबसे पहले नहीं आ सकता, इसलिए वो लास्ट में आएगा। चलिए तो अगर दो ऑप्शन, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, सबसे पहले मुझे फाइकोप्लांकटन के बारे में पता होगी, फाइटोप्लांकटन और डायटम्स, तो मुझे ये और ये ऑप्शन दोनों सही लगेंगे, पर दोनों क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी कि दोनों में से क्या लूं, तो मुझे यहाँ पर चूज करना है कि फिश पहले आएगा या बाद में आएगा। तो फिश पर्टिकुलर छोटे छोटे कीड़ों को खाएंगे, और कीड़े जो छोटे छोटे होंगे पर्टिकुलर वो डायटम्स को खाएंगे, तो इसीलिए ये आंसर होगा इसका कौन सा, ए। तो सेकंड का आंसर हो गया ए, ठीक है, क्लियर, ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया है सेकंड का ए, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% का नियम या कानून संबंधित है, 10% नियम किससे संबंधित होता है, 10% का नियम किससे संबंधित होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। थर्ड का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, ऊर्जा का भोजन के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण, दूसरा उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन जोन टू अनदर, एंड ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन जोन टू अनदर। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन थर्ड का,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया ए। अभी बताया था मैंने कि जब भी हम फूड चेन के अंतर्गत बात करते हैं, ट्रॉपिक्स लेवल या पोषक स्तर के अंतर्गत बात करते हैं, तो पोषक स्तर के अंतर्गत अगर हम मैं बात करूं, तो पोषक स्तर के अंतर्गत पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ऊर्जा का स्थानांतरण ए पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो पोषक स्तर एक, पोषक स्तर दो, पोषक स्तर तीन, और इस तरीके से चलता चला जाता है। जैसे एग्जांपल इस इमेज को देख लीजिए। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो सबसे पहले हो गए उत्पादनकर्ता, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे, फिर उसको खाने वाले हो गए, ये दूसरे पोषक स्तर हो गए, फिर तीसरे पोषक स्तर हो गए, फिर चौथे हो गए, और फिर पांचवे हो गए। जैसे जैसे ऊर्जा यहां पर देख लीजिए, ऊर्जा ऊपर जाते जाते कम होती है, जैसे जैसे ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है भोजन के रूप में, यहां मतलब भोजन का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर से नेक्स्ट, फिर दिस नेक्स्ट, फिर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में भोजन का क्या होता चला जा रहा है, ट्रांसफर होता चला जा रहा है। और इसी को इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ऊर्जा का भोजन के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण। तो इसका आंसर हो गया ए। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, चलिए, कौन से चार घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं? कौन से घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं? पहला है पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, वर्षा। देखिए ये सारी चीजें आपको किसी ना किसी इकोसिस्टम में तो दिखाई देंगी, चारों ऑप्शन, पर कौन से ऐसी चीजें हैं जो एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रही हैं, एक के बाद एक चैन के रूप में क्रिएट कर रही हैं कि ऐसी चीजें होती हैं? तो ए बी सी डी, इसका आंसर करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, फोर्थ का आंसर हो गया सी। फोर्थ का आंसर क्या है? सी। सभी ने सही आंसर किया है तो आई थिंक इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है। थोड़ा सा बस सुन लीजिए, कौन से चार घटक एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो गया सी, अबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। जब भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी और जल के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कौन सी चीजें हैं? अबायोटिक मटेरियल्स। कौन सी मटेरियल हैं? अबायोटिक मटेरियल हैं। इनको उत्पादक भोजन में परिवर्तित कर देता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। हाँ या ना? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जब ये भोजन में बदल जाता है तो कंज्यूमर्स जो हर्बीवर्स होते हैं वो अपने भोजन इन प्रोड्यूसर से, इन उत्पादक कर्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जब ये कंज्यूमर्स मर जाते हैं, जिन्होंने उत्पादन कर्ताओं से भोजन प्राप्त किया, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो डीकंपोजर्स उन्हें डीकंपोज कर देते हैं और पुनः परिवर्तित कर देते हैं अबायोटिक मटेरियल में, मृदा के अंतर्गत। हाँ ना? तो इस तरीके से तो अबायोटिक मटेरियल, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस इमेज को, यहां पर आपको दिखाई देगा अबायोटिक सनलाइट, है ना। अब देखिए ये पर्टिकुलर मछली बायोटिक, जल अबायोटिक, तितलियां बायोटिक, तो इस तरीके से पेड़ बायोटिक, मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं उन्हें बायोटिक में रखते हैं और जितनी भी मृत्यु पर्टिकुलर जो जीवित चीजों में नहीं मानी जाती वो अबायोटिक में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है जी, टेलर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ए बी सी डी, इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, जी टेलर, ई हार्टिजन, ठीक है, डी आर एंड ए जी टंसली, कौन है भैया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर सभी कर पाएंगे आप लोग। हाँ या ना? चलिए तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ए जी टंसली। 1935 में इन्होंने
पर्टिकुलर इको सब स्ट्रंग शब्द का प्रयोग किया था, कब कब इन्होंने प्रस्तावित किया था, कब प्रपोज किया था, 1935 में, एजी टेंसले। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब हो गया ऐसा इकोसिस्टम जिसके द्वारा कौन ऐसा से इकोसिस्टम जिसे मानव के द्वारा निर्मित किया हो। किसके द्वारा निर्मित किया गया हो? मानव के द्वारा, प्रकृति ने नहीं बनाया इन्हें, इन्हें मानव ने निर्मित किया। ऐसा इकोसिस्टम, क्या जंगल मानव बनाता है? जंगल पर्टिकुलर प्राकृतिक होती है, घास के मैदान भी प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, लेक्स भी प्राकृतिक बनी होती है, जबकि धान का खेत पैडी फील्ड जो होता है ये मानव के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ठीक है, 6 का ए। ठीक है, गंगा भैया जी अब बड़ा खतरनाक आंसर दे रहे हैं, ए ए ए, बहुत तीस है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच वन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थिर होता है? कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थिर होता है? 7 का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा स्थिर इकोसिस्टम कोई होता है तो वो है सागरीय, क्योंकि वातावरण का जो प्रभाव है, जो पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है, वो फॉरेस्ट में, जंगलों में, इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है, जबकि समुद्र के स्तर पर होता है पर उतना ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता। अगर जंगल लग गई, पेड़ जल गए, पेड़ नहीं है, जंतु नहीं होंगे, इकोसिस्टम समाप्त। अगर पर्टिकुलर बारिश नहीं हुई, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ अपने पर्टिकुलर, अगर पानी खत्म हो गया, पेड़ों को जल नहीं मिलेगा, अपने लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि पर्टिकुलर अगर नहीं कर पाएंगे, अपने लिए भोजन नहीं बताए पाएंगे, तो इकोसिस्टम समाप्त। बट अगर हम समुद्री इकोसिस्टम के अंदर बात करें, तो समुद्री इकोसिस्टम में हमेशा पानी उपस्थित है, थोड़ा बहुत उसमें चीजें ऊपर नीचे होते रहती हैं, पर उतना ज्यादा नहीं होता जितना अन्य इकोसिस्टम में हमें दिखाई देता है, हाँ ना? तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे स्थिर इकोसिस्टम दोनों ही हम किसे मानते हैं? पर्टिकुलर महासागरीय इकोसिस्टम को मानते हैं, हाँ या ना? सबसे बड़ा और सबसे स्थिर इकोसिस्टम, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, समुद्री वातावरण में, अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, आंसर किया था, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मरीन एनवायरमेंट आर, कौन से ऐसे पर्टिकुलर इसमें हैं जो पर्टिकुलर मरीन इकोसिस्टम में क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। अभी इसका आंसर किया था मैंने, है ना, थोड़े देर पहले ही मैंने बताया था डायटम्स के साथ कि डायटम्स आर दी फाइकोप्लांक्टन्स, तो फाइकोप्लांक्टन समुद्र या मरीन इकोसिस्टम में एक उत्पादक का रोल निभाते हैं, तो उत्पादक का रोल निभाते हैं तो फाइकोप्लांक्टन ही क्या होंगे? उत्पादक। तो इसका आंसर हो गया ए, तो फाइकोप्लांक्टन इसका क्या हो गया? आंसर ए, क्लियर है? तो ए हो गया, मरीन इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होते हैं फाइकोप्लांक्टन, क्लियर है? तो ये नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम, राइट, 1986 कब लागू हुआ था? When did the Child Labor Provision and Regulation Act 1986 came into force? है ना? चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए, ठीक है, बाल श्रम। देखिए, बाल श्रम को निषेध को लेकर के हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में भी बात की गई है, है ना, कि 14 साल के कम बच्चों को आप गलत कामों में नहीं लगाओगे। साथ ही साथ पर्टिकुलर बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम जो बनाई गई
जिसके तहत बाल श्रम को रोकने की बात की गई, इसको लागू किया गया था 23 दिसंबर 1986 को। कब लागू किया था? 23rd of December 1986। तो इसका आंसर हो गया डी। क्या हो गया इसका आंसर? डी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके पीछे का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये फैक्ट है, जिस दिन होना था उस दिन हुआ। तो 23rd December of 1986 इसकी पर्टिकुलर डेट है जिस दिन इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था, 23 दिसंबर 1986। तो इसका आंसर हो गया डी। बहुत बढ़िया, जो कुछ बच्चों ने डी आंसर किया है इसका, कुछ बच्चों ने सी, किसी ने ए भी बोला, पर जिन्होंने डी बोला बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है? तो इसका आंसर है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट का आंसर हो गया डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तंबाकू किस परिवार से संबंधित है, है ना? तंबाकू कौन से परिवार से संबंधित होता है? इसका आंसर करिए, तंबाकू कौन से परिवार से संबंधित होता है? ठीक है, टेंथ का आंसर करिए, 10 का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तंबाकू जो फैमिली से होता है उसको कहते हैं सोलनेसी, एंड पर्टिकुलर इस फैमिली को नाइट सेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट सेट्स, है ना? और अगर हम इस पर्टिकुलर प्लांट की बात करें, जिस प्लांट से हमें पर्टिकुलर तंबाकू मिलता है, इसको कहा जाता है निकोटिना टैबकम, है ना? तो निकोटिना टैबकम नामक पर्टिकुलर प्लांट से हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर निकोटियाना प्लांट से पर्टिकुलर हमें मिलता है निकोटीन, और निकोटीन से ही मिलता है हमें तंबाकू। तो तंबाकू जो फैमिली है वो है सी। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया सी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी। तो ये फैमिली हो गया सोलनेसी, जिसको नाइट सेट्स भी कहा जाता है, और नाइट सेट्स जो है वो निकोटीना टैबकम नामक प्लांट से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, निकोटीना टैबकम नामक प्लांट से प्राप्त होता है, और ये जो प्लांट होता है पर्टिकुलर, इसी से हमें तंबाकू प्राप्त होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी सामाजिक बुराई है? ठीक है, इनमें से कौन सी सामाजिक बुराई है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, निम्न में से कौन सी सामाजिक बुराई है? बाल विवाह, कालाबाजारी, मृत्यु भोज, या उपयुक्त में से सभी? ठीक है, चलिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कई ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और आपको वहां पर आंसर मिलता चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन का जो इस 11th क्वेश्चन को देखें तो बाल विवाह, बिल्कुल बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। कालाबाजारी भी एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि इससे गरीबों को बहुत नुकसान होता है, है ना? उनको सामान महंगे दामे में मिलने लग जाते हैं, जिससे बेचारे उनके जीवन में दिक्कतें आती हैं। मृत्यु भोज को भी सामाजिक बुराई के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि मृत्यु भोज को यह माना जाता है कि जो व्यक्ति चला गया उसको लेकर के अन्य व्यक्ति के ऊपर बोझ पड़ता है, इसलिए मृत्यु भोज को कई बार सामाजिक बुराइयां मानी जाती है, है ना? तो तीनों ही सामाजिक बुराई है। तो इसका आंसर हो गया क्या? डी। इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, भारत में दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया था? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डोरी सिस्टम एबोल्यूशन लॉ और एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया? ठीक है, इन विच ईयर? ठीक है, देखिए इसको, ठीक है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट कौन सा आंसर है इसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 1961 पूरा आंसर है, मई 1961। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1961 में दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम को लेकर कानून अधिनियम लाया गया था, या कानून बनाया गया था, ताकि दहेज प्रथा जो चली आ रही है उसको पर्टिकुलर रोका जा सके। ठीक है, तो 1961। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन या चाइल्ड? ठीक है, तो कौन सी चीज ऐसी है जो बच्चे की
पर्टिकुलर प्रथम पाठशाला के तौर पर मानी जाती है। बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या स्कूल है, क्या प्लेग्राउंड है, क्या सोसाइटी है, क्या फैमिली है, ए बी सी डी, आया ना? तो इसका आंसर करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कई बार, और इसके आंसर आपको बहुत आसानी से सोच कर मिल सकते हैं, आया ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोनस देने के लिए आते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर बोनस मिल रहा है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि बचपन में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहीं से सीखते होंगे सब कुछ, है ना, या फिर बच्चे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाते हैं तो वहां से सीखते होंगे, ठीक है। हमें लगता होगा समाज से सीखते होंगे, पर समाज के बीच में तो आप बाद में आते हो, पहले तो आप किसके बीच आते हो, अपने परिवार के बीच, है ना। तो बच्चा सबसे पहले अपनी चीज कहीं से सीखता है तो वह है फैमिली, परिवार, है ना। कभी भी कोई बच्चा बिगड़ता है तो उसे क्यों बोला जाता है कि इसके पर्टिकुलर लगता है फैमिली वालों ने इसे सही तरीके से शिक्षा नहीं दी है, इसके परिवार वालों ने इसे सही तरीके से समझाया नहीं, सिखाया नहीं, तो ये सारी चीजें, है ना, बेहतर तरीके से उन्हें चीजें नहीं दी गई, तो इसीलिए कई बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली शिक्षा देने का काम करता है वो कौन करता है, परिवार करता है, फैमिली करता है, है ना, क्लियर है, कौन करता है, फैमिली, ठीक है। भैया क्या नाम है, रश्मि शाहू जी, बिल्कुल ये एनवायरमेंट का ही क्वेश्चन है, इतना आई थिंक सिलेबस नहीं देखा है, ठीक है, आपको फिर सिलेबस देखने की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है। आपके एग्जाम्स पास ही हैं, जल्दी ही सिलेबस देख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एकल परिवार का गुण होता है न्यूक्लियर फैमिली इज कैरेक्टराइज बाई, क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताइए कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली के क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल, बच्चों का दूसरों पर आश्रित होना, तीसरा बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, और डी बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो कौन सा आंसर होगा भैया, बिल्कुल 14th का हो गया सी, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास। देखिए न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं और बड़े बुजुर्ग परिवार में ना रहता हो, वो एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। अब जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में वृद्धों की आदर करना, वृद्धों को देखभाल करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। पर जब आप अकेले रहना चल जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, खासकर अगर आप मॉडर्न सिटीज में देखें या फिर पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज में चले जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो लोग रह रहे हैं अब उनके मम्मी पापा काम करने चले गए क्योंकि मेट्रो सिटीज में खर्चा ज्यादा है, दोनों कमा रहे हैं, ठीक है, वो चले गए। अब कई बार बच्चे अपने से ही कई बार हर चीजों को करना चालू कर देते हैं तो वो खुद में चीजों को डिसीजन लेना चालू कर देते हैं, तो जब खुद में डिसीजन लेना चालू कर देते हैं तो इसीलिए बच्चों में क्या आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, हाँ ना, पर्टिकुलर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। दो तरह के परिवारों की बात करते हैं, एक है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में पर्टिकुलर सभी मिलकर रहते हैं, बड़े बुजुर्गों की आदर करना सीखते हैं हम, ये बहुत सारी चीजें संयुक्त परिवार में सीखने को मिलती है, जबकि एकल परिवार में हम ये सारी चीजें कई बार नहीं सीख पाते। और पर एकल परिवार में एक चीज दिखाई देती है कि बच्चे अपने से चीजों को सीखते चले जाते हैं और खुद की निर्णय लेने की क्षमता का क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गतिविधि की विशेषता नहीं है, हाँ ना, इनमें से गतिविधि की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा गया है, गतिविधि है ना, एक्टिविटी, इनमें से कौन सी चीजें एक्टिविटीज के अंदर नहीं आती, गतिविधि के अंदर नहीं आती, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा चीज है जो गतिविधियों के अंतर्गत नहीं मानी जाती, ऐसी कौन सी चीज है जो गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए
गतिविधि में कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया। देखिए जब भी क्वेश्चन लगाइए हाँ या नहीं जरूर देखिए कि उसने पूछा है हाँ या ना। मैं तो यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूं आपको, तो चीजें आपको कई बार सुनने में भी आ रही हैं, तो चीजें हो जा रही हैं, कई बार एग्जाम में इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, गतिविधियों में चुनौती के तत्व मौजूद रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, चुनौतियों से ही तो चीजें सीखते हैं बच्चे। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल बच्चे अपने ही अनुभवों से सीखते हैं, रचनावाद हम पढ़ेंगे आगे पर्टिकुलर, तो बच्चे अपने ही अनुभव से सीखने की सीखते हैं। गतिविधि उत्सुकता जगाती है, बिल्कुल अगर हम बच्चों को कोई गतिविधि दें तो बच्चे उस गतिविधियों में उत्सुकता दिखाते कि यार हमें करना है, हमें करना है। गतिविधि की प्रकृति दिलचस्प नहीं होती, भैया ऐसा नहीं है, अगर बच्चों की गतिविधि दिलचस्प नहीं होगी तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। मतलब गतिविधि कैसी होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए, हाँ या ना। तो इसका आंसर हो गया डी, क्लियर है। तो 15th का क्वेश्चन आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द मेन मेथड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रमुख विधि है, कौन सी ऐसी विधि है जो पर्यावरण को पढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दी अबो, उपरोक्त सभी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम पर्यावरण को पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें, बिल्कुल, तो 16 का हो गया आंसर डी, ठीक है। बच्चों को फील्ड विजिट कराया जाता है, बिल्कुल, जू एंड ऑल में घुमाने ले जाया जाता है, बच्चों को सर्वे करवाया जाता है ताकि पर्टिकुलर वो फील्ड के बारे में और अच्छे से सीख सकें, ताकि साथ ही साथ पर्टिकुलर क्लासरूम में या स्कूल में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से भी बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो पर्यावरण को सिखाने की ये तीनों ही विधि लागू होती है, मतलब इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्टिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और अभी जो हमने पीछे किया था दोनों एक जैसे ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तीनों ही मुख्य विधे हैं सतीश जी, तीनों ही मुख्य विधे हैं, तीनों में कोई कम ज्यादा नहीं है, सभी विधि एक जैसे हैं, तो सभी विधि बेहतर तरीके से लागू होते हैं, तो सभी विधि एक जैसे हैं, तो सभी विधि, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्टिविटी, हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया कि पर्टिकुलर गतिविधि अकेले या समूह में की जाती है, बिल्कुल सही बात है, गतिविधि अकेले या समूह में की जा सकती है। ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये पर्टिकुलर सारे गतिविधि के फीचर्स के अंदर, विशेषताओं के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। गतिविधि उत्सुकता जगाती है, बिल्कुल, गतिविधि में चुनौती के तत्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं, गतिविधि उबाऊ प्रकृति की होती है, नहीं भैया गतिविधि उबाऊ प्रकृति की नहीं होती है, हाँ या ना, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया सी, कौन सा आंसर हो गया इसका, पर्टिकुलर सी, है ना, क्यों पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो गतिविधि उबाऊ प्रकृति की होती है बोल रहा है, पर यहाँ पर बोला नॉट, मतलब आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्वासियोर्कर नामक रोग होता है, किसके वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड आयोडीन, किसके कमी से होता है क्वासियोर्कर रोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहां पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पूरी मानव शरीर बनी हुई है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन ही एक चीज है जिससे पूरे हमारे बॉडी के सेल्स एंड ऑल बने हुए हैं, प्रोटीन पर्टिकुलर बनता है और प्रोटीन से ही सारी चीजें बनती होती हैं, जो हमारे बॉडी के राइबोसोम से वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उन्हीं से हमारी पूरी बॉडी के सेल्स बनते हैं। अब हमें ऐसी चीजें खानी है जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोटीन मिले, हाँ या ना, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, हमारे बॉडी में नए सेल्स बन पाएंगे, नहीं तो हमारी बॉडी क्या हो जाने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, नए सेल्स नहीं बने होंगे। इसलिए प्रोटीन के कमी से हमारे शरीर में कौन सी रोग होती है, क्वासियोर्कर नामक बीमारी होती है। तो आंसर हो गया प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया बी, प्रोटीन,
इसका आंसर हो गया बी प्रोटीन। क्लियर है, इसका आंसर हुआ बी प्रोटीन। प्रोटीन के कमी से क्वासियोरकर रोग होता है क्योंकि पूरी मानव शरीर बनी हुई है प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर के लिए मुख्य चीज है जिसके पूरे हमारी चीजें बनी हुई हैं। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो नए सेल्स नहीं बन पाएंगे और हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, कमजोर होने लग जाएंगे हम, और इसी को कह रहे हैं क्वासियोरकर बीमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द व्यूज ऑफ द चिल्ड्रन विच डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट इज विजिबल इन अबंडेंस। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है बच्चों की नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो वहां पर डिफाइंड है कि कौन सी चीजें पर्टिकुलर, ठीक है, बस हम कोशिश ही यही कर रहे हैं कि आपको हमारे वजह से, हमारी संस्था के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की वजह से फायदा हो, है ना, और डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में फायदा होगा। चलिए बिल्कुल, तो यहां पर इस पर्टिकुलर जो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं तो इसको लेकर आप नोट भी कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा। बच्चे जब भी पर्यावरण को देखते हैं तो सबसे पहले उनको यहां पर पूछा जा रहा है कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है, किसके नजर में, बच्चों के नजर में। तो यहां बच्चों के नजर में सबसे ज्यादा दिखाई देती है भौतिक, फिजिकल चीजें, वो आसपास की चीजों को देख रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा वो भौतिक चीजों को देखते हैं। भौतिक पहले नंबर में हमेशा पूछा जाए तो भौतिक लेना, कौन सा, भौतिक। दूसरे नंबर में आता है सांस्कृतिक, दूसरे नंबर में आता है सांस्कृतिक, और तीसरे नंबर में फिर आता है सामाजिक और राजनीतिक चीजें। तो जब हम बच्चे के नजर से देखें कि बच्चे के नजर से पर्यावरण के कौन से आयाम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो जब भौतिक पर्यावरण फिजिकल वाला दिखाई देता है, पर फिजिकल के बाद अगर पूछा जाए तो कौन सा है, वो सांस्कृतिक है, और सांस्कृतिक के बाद पूछा जाए तो याद रखिएगा सामाजिक और राजनीतिक हुआ। तो यहां पर इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 19 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिला होता है, जैविक और अजैविक। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो उसमें जैविक घटक, अजैविक घटक शामिल हो जाते हैं, जबकि सामाजिक घटक आते हैं मानव पर्यावरण के अंतर्गत, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, समाज, परिवार, पुल, पेड़ पौधा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मानव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर आता है। वैसी समाज, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, समाज हो गया, परिवार का गठन, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो सामाजिक घटक हुआ, तो प्राकृतिक नहीं है ये मानव के द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। क्लियर है, सी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का पर्टिकुलर बात की जा रही है, तो इसका आंसर करिए कौन कौन सी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए कौन सा, ध्यान से पढ़िएगा, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच फूड चेन, फूड चेन जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो कैसे फूड चेन का आंसर करेंगे भैया, फूड चेन में जीवित चीजों को तो खा रहे हैं ना आप, उत्पादन, पौधे, पौधे को जानवरों ने खाया, जानवरों को फिर जानवरों ने खाया, फिर जानवरों ने खाया, फूड चेन नहीं होगा। बहुत सारे फूड चेन मिलकर फूड वेब बनते हैं, दोनों नहीं होगा। हंटिंग एक्टिविटी की अगर मानव हंटिंग कर रहा है या जानवर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो जीवित जीवों को ही तो कर रहा है, तो जीवित जीवित जीवों का है, तो तीनों ही इसका आंसर नहीं होंगे, तो कौन होगा, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा साइकिल है, जल चक्र, जो सजीव और निर्जीव घटकों के बीच का है। जल क्या है, पर्टिकुलर वो अजीव, पर्टिकुलर अबायोटिक में माना जाता है, निर्जीव में, जबकि पेड़ पौधे सजीव में। तो पेड़ पौधों के जो पर्टिकुलर, पेड़ के जो पत्ते होते हैं स्टोमेटा, उससे पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाटर एवेपोरेट होते हैं और कहां जाते हैं, एनवायरमेंट में, और वो वेपराइज होकर आसमान में, और फिर बारिश हो जाती है। तो ये जल चक्र जो चल रहा होता है, जल चक्र जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के अंतःक्रिया है,
तो इसका आंसर हो गया डी, है ना, इसका आंसर हो गया डी। जैसे अगर हम मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीजें, अगर क्वेश्चन में 21 के अंदर का मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच की होती हैं, तो इसके अंदर का तो आप ले सकते हैं भूमि मृदा जल चक्र, भूमि मृदा जल चक्र, मौसम और चट्टाने, भूमि मृदा जल चक्र, चट्टाने और मौसम, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सभी सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया को बताता है, ठीक है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के घटक हैं, सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, मैंने अभी बताया कि हमारे पर्यावरण में हर तरह की चीजें होती हैं, प्राकृतिक अजैविक जैविक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक घटक, ये सभी मौजूद है हमारे पर्यावरण में। तो इस सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक सांस्कृतिक मतलब उपरोक्त हो गया सभी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। अभी हमने जो देखा था वो देखा था सजीव और निर्जीव के बीच, अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक के बीच का अंतःक्रिया क्या है। तो पहला हो गया वनों की कटाई, फिर हो गया शिकार, निर्माण कार्य या सभी, है ना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 का, कौन सी क्रिया मानव और प्रकृति के बीच है। इसको इस तरीके से पढ़िए तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, मानव और प्रकृति के बीच के अंतः क्रिया कौन से पर्यावरण के अंतर्गत, इसमें कौन सी चीजें आ रही हैं जिसमें मानव भी है और प्रकृति भी है, दोनों शामिल हो रहे हैं। तो बिल्कुल वनों की कटाई हम कर रहे हैं, प्रकृति मानव, शिकार मानव, निर्माण कार्य मानव कर रहा है, पर्टिकुलर डैम बना रहा है, रोड्स बना रहा है, पुल बना रहा है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, ये सभी, क्लियर हो पा रहा है। तो इसका 23 का आंसर हो गया ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले हिंदी में पढ़ लीजिए फिर यहाँ इंग्लिश में अलग से मैंने डाला हुआ है। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है, या जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंट इज एसेस्ड बाय सर्वे एंड एनालिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग इज एसेस्ड, ठीक है। तो सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है, या जानने के लिए समझ निम्न से कौन सा है। तो ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, उपरोक्त सभी, ठीक है। बिल्कुल, एक टीचर के तौर पर मैं बच्चों को ध्यान से देखूंगा कि बच्चे पर्टिकुलर किसी चीज को अच्छे से देख रहे हैं, नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजों को मैं ध्यान दूंगा। फिर पर्टिकुलर देखूंगा, पर्टिकुलर उनकी चीजों को कोशिश करूंगा महसूस करने की कि वो चीजों को ध्यान से पढ़ पा रहे हैं नहीं, गतिविधि सही से कर रहे हैं नहीं, फिर वो या किसी चीजों को याद रख पा रहे हैं कि नहीं, चीजों को जो देख पा रहे हैं वो चीजों, तो ये सारी चीजें मैं पर्टिकुलर सर्वेक्षण और विश्लेषण के तौर पर देखूंगा, और ये इसका आंसर हो गया डी। तो इसका आंसर हो गया डी, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 23 का हो गया डी, ठीक है, 24 का हो गया डी। नेक्स्ट 25, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। विच ऑफ दीज वुड यू नॉट डू टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे नया ज्ञान सीखें, और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया डी। भैया सिंपल सी बात है, बच्चों को सीखने देना है, तो सीखने देना है तो कैसे सीखने दोगे, उनको पर्टिकुलर समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित करो, उनको अवधारणा संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाओ, उनको संकेत दो, हिंट दो कि नया चीज सीख पाए। ऐसा नहीं कि उनको जाकर रट्टा मरवा दिया कि लो पढ़ लो, मैंने समझा दिया ना, कल पढ़कर आ जाना। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा दो। भैया समझा दिया तो वो अपने तरफ से कुछ करेंगे नहीं, है ना, तो उनको भी तो कुछ करने दो। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट है 26, दिन और रात होने के प्रमुख कारण है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डे एंड नाइट, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हर बच्चा आंसर कर लेगा।
ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है बहुत बढ़िया। तो 26 का हो गया सी, रोटेशन ऑफ पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है इसीलिए दिन रात हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। आया ना? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण पर्टिकुलर दिन और रात देखने को मिल रही है हमें, इसका कोई तो आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप पर्टिकुलर अभी ये सूर्य है आया ना, पर्टिकुलर अभी सूर्य का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, अब पृथ्वी ऐसा घूम रहा है अपने धुरी पर, अब ये सामने है देखिए अभी अभी इंडिया है, इंडिया अभी देखिए, अभी अफ्रीका, अभी यूएस, अभी तरीके से तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रहा है जिसके वजह से दिन और रात होता दिखाई देगा आपको। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तो 26 का क्या हो गया सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट 27। द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द वेज ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक है, बच्चों के सीखने को लेकर सबसे पहला अध्ययन क्या था? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया पियाजे एंड व्योगस्की। ठीक है, तो दोनों ही लोग जो हैं पर्टिकुलर, इन्होंने सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन हो गए? जेन पियाजी साहब एंड व्योगस्की साहब। ठीक है, तो ये दोनों ही लोगों ने पर्टिकुलर सबसे पहले अध्ययन किया, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित होता है? अवलोकन, वैज्ञानिक अध्ययन, ए बी सी दोनों या डी? इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, या फिर अगर मुझे अगर आप कर पाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इसे कर पाएं। तो 28 का आंसर करिए, 28 का क्या हो जाएगा? 28 का बहुत 28 का नॉट सी, 28 का ए भी नहीं सी भी नहीं। ठीक है, तो 28 का हो गया डी। बच्चे किससे सीखते हैं? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो रचनावाद का सिद्धांत कि बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, किसके माध्यम से सीखते हैं? अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। रचनावाद का एक और क्वेश्चन है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको दोनों के रचनावाद को लेकर क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर जाएगा। तो रचनावाद का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? अनुभव पर। अब रचनावाद का अर्थ है रटकर सीखना, ठीक है, दोहरा कर सीखना, या स्वयं करके सीखना, या देख कर सीखना। तो रचनावाद कहता है कि स्वयं करके सीखना ही रचनावाद कहलाता है, स्वयं करके सीखना ही रचनावाद कहलाता है। तो सेल्फ लर्निंग मतलब, सेल्फ लर्निंग मतलब खुद से सीखोगे तो खुद के अनुभव से सीखोगे ना, तो रचनावाद पर्टिकुलर सेल्फ लर्निंग है, तो सेल्फ लर्निंग है तो अनुभव है, तो अनुभव और रचनावाद दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया अनुभव। और 29th क्वेश्चन का हो गया स्वयं करके सीखना। आया ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रचनावाद का अर्थ है, ठीक है ये हो गया, चलिए नेक्स्ट। स्कीमा शब्द का अर्थ है, स्कीमा, एक होता है स्कीम और एक होता है स्कीमा, दो वर्ड हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, एक स्कीमा का भी और दूसरा स्कीम का भी। तो स्कीमा शब्द का अर्थ है किसी अवधारणा की समझ, किसी क्रिया की समझ, किसी क्रिया की अन्य क्रिया के साथ संबंध की समझ, या किसी अवधारणा के किसी अन्य अवधारणा के साथ संबंध की समझ, है ना? क्वेश्चन करिए, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक, यस, क्वेश्चन नंबर 30 स्कीमा शब्द का अर्थ है ना? देखिए, रचनावाद, स्कीम और स्कीमा सभी एक जैसे हैं। रचनावाद खुद के अनुभव से सीखना, स्कीमा भी वही है, स्कीम भी वही है, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कीम ये कहता है कि पर्टिकुलर बच्चे किसी कार्य को, पर्टिकुलर किसी एक चीज को अलग अलग तरीके से कर सीखते हैं, जबकि स्कीमा कहता है कि बच्चे किसी भी अवधारणा को किसी अन्य अवधारणा के साथ जोड़ते हैं और जोड़कर सीखते हैं। तो
तो एक अवधारणा को दूसरे अवधारणा के साथ जोड़कर सीखना कहलाता है स्कीमा। क्या कहलाता है? स्कीमा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया डी, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, कौशल जो नैसर्गिक होता है, जन्मजात कौशल, अर्जित कौशल, सीखे जाने वाला कौशल या मूल्यवान कौशल, ऐसा कौन सा कौशल है जो पर्टिकुलर आपको नैसर्गिक रूप से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए, नैसर्गिक कौशल का मतलब होता है जो जन्मजात हो, जन्मजात कौशल। तो जन्मजात कौशल का मतलब ही इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो सिंपल सी बात है ना। 31वां नंबर का आंसर हो गया ए। सभी ने इसका सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान के निर्माण में आवश्यकता होती है, ज्ञान के निर्माण में आवश्यकता होती है, ज्ञान के निर्माण में आवश्यकता होती है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32। किस चीज के लिए निर्माण की आवश्यकता होती है? सत्यापन की जरूरत होती है, अन्वेषण की, अवधारणा की या उपरोक्त सभी की? किसकी भैया? ज्ञान निर्माण के लिए आवश्यकता होता है, ज्ञान निर्माण के लिए, बिल्कुल ज्ञान निर्माण के लिए सभी की चाहिए होती है। देखिए, ज्ञान निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे ज्यादा चाहिए होता है अनुभव, ठीक है, जो चीज आपने लिखी हुई है, अनुभव, सत्यापन, अन्वेषण और अवधारणा। अनुभव, सत्यापन, अन्वेषण और अवधारणा, ये चार चीज जो है, मैंने एक और चीज यहां पर लिख देता हूं, अनुभव है ना, वो भी आपको कभी आंसर मिले तो देख लीजिएगा। तो अनुभव, सत्यापन, अन्वेषण, अवधारणा, मतलब इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, तो आंसर हो गया इसका डी। क्लियर हो पा रहा है? एक चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दी आपको, तो कभी आपको अनुभव शब्द भी नहीं ले ज्ञान के निर्माण को लेकर के, तो उसको भी आंसर में ले लीजिएगा, अनुभव, सत्यापन, अन्वेषण, अवधारणा और उपरोक्त सभी। क्लियर हो पा रही है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि रेखा की मां ने, ठीक है, उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया? ओहो, कितना दुख है, सो नहीं पाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए, ठीक है। अब रेखा की मां ने उसकी अपनी बेटी को सोने नहीं दिया, बताइए, बेचारी अच्छा खासा सो रही थी, राइट टू स्लीप अधिकार था उनके पास, सो नहीं पाई वो, तो इसका आंसर करिए। चलिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? सोता कब है आदमी? रात को। तो सिंपल सी बात है, उसी बेसिस में ध्यान देना है इसको। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। दूसरा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। और थर्ड, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। देखिए, यहां पर दो आंसर आपको सही लग रहे होंगे, बी और सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ेगी, है ना, है ना, पर इसका बेसिक आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए पर्टिकुलर सी। क्यों होना चाहिए सी? क्योंकि देखिए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मानव के शरीर को क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की, है ना, मानव के शरीर की जरूरत, मानव को क्या शरीर की जरूरत है? मानव को शरीर की जरूरत है ऑक्सीजन की। और क्योंकि वो एक व्यक्ति से रिलेटेड बात की जा रही है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया, या कोई भी जंतु या पादप जो श्वसन का क्रिया करता है, तो श्वसन की क्रिया में वो ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ऑक्सीजन का। किसका प्रयोग करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन लेता है, C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ATP के थ्रू ऊर्जा मिलती है। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज जो है पर्टिकुलर है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के थ्रू पर्टिकुलर ऑक्सीजन लेना चालू कर देते हैं पेड़ पौधे, और पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, है ना, है ना, इसीलिए पर्टिकुलर, क्लियर है। चलिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ठीक है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हो गया 34। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना या ओजोन परत? क्वेश्चन नंबर 34।
बिल्कुल। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर C6CO2 + 6H2O, हाँ या ना, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं भैया, C6H12O6 + क्या बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन का प्रयोग हम करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देंगे पौधे किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को क्या रखते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो गया पर्टिकुलर, ठीक है, इसका आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न से कौन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक्स फॉर द एनवायरमेंटल स्टडीज विल बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, गतिविधियों की इकाई अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, है ना, अध्याय के अंत में, इकाई के अंत में, गतिविधियों के प्रकरणों के साथ हो, और गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो, एक्टिविटीज गिवन अलोंग विद द टॉपिक, कौन सा होना चाहिए। देखिए अब गतिविधि इधर उधर दे दोगे तो पढ़ोगे कहीं और, गतिविधि कभी और करोगे क्या, एक साथ नहीं होना चाहिए ना, तो एक साथ होनी चाहिए ना, गतिविधि और टॉपिक एक साथ होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, एक्टिविटीज गिवन अलोंग विद द टॉपिक, टॉपिक के साथ होनी चाहिए गतिविधियां, ये बात की जा रही है यहां पर। तो इसका आंसर हो गया सी, तो इसका आंसर हो गया सी, क्लियर है 35 का सी। नेक्स्ट आते हैं 36, इनमें से पर्टिकुलर मनुष्य में एनीमिया प्रमुख कारण है, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी या विटामिन ए की कमी। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ ना, सभी जानते होंगे इसके एनीमिया, क्योंकि पर्टिकुलर वो आयरन के कमी से होता है, हाँ ना, किसके वजह से होता है, आयरन के कमी से। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, तो आयरन की कमी से, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था, ठीक है, टेंसले साहब ने, राइटर साहब ने, ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने या कार्ल मोबियस ने, तो पर्टिकुलर किसने दिया था भैया, है ना, अभी इसको बताया था मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल रेमंड लिंडमैन साहब ने इसको दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी, क्या हो गया आंसर सी, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका आंसर हो गया सी, रेमंड लिंडमैन साहब ने इसको दिया था, ध्यान रखना है, रेमंड लिंडमैन साहब ने 10% का नियम दिया था जो कि ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तरों पर लागू होता है, हाँ या ना, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को पर्यावरण, नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी का एवं महत्व देना या उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, नैतिकता की समझ का विकास भी होगा, अवधारणाओं की गहरी समझ बनेगी, और पर्यावरण की जानकारी और उनके महत्व भी बच्चे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दी एबो, हाँ या ना, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो इस क्वेश्चन में पॉइंट आउट जरूर करें कि किसको लेकर पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट अ प्राइमरी लेवल, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कि टू अंडरस्टैंड फैमिली, अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है या नहीं, और तीसरा समाज में हो रहे अपराधों की लेखा रखना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 39 का डी। अब प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपराधों के लेखा जोखा रखने नहीं बोलोगे ना, प्राथमिक स्कूल की बात की जा रही है, जब आप प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हो तो वहां पर बच्चों के नहीं बोलोगे ना भैया कि अपराध के लेखा जोखा रखो तुम,
है ना, वहां पे तो बच्चों को सामान्य चीजें सिखाने वाले हो ना, अपने आसपास की चीजों को सिखाने वाले हो, तो वहां पर ये तो नहीं होगा बिल्कुल। तो आंसर हो गया डी, ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे आप इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है, घास गेहूं आम, घास हिरण शेर, घास बकरी मछली, गेहूं मछली बकरी, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका आंसर तो आई थिंक सभी दे लेंगे, ठीक है। अब बकरी घास को खाएगी तो ठीक है, पर मछली बकरी को तो नहीं खा जाएगी, हाँ या ना, क्लियर है। अब मछली कहाँ रहती है, बकरी कहाँ रहती है, दोनों में अंतर है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो क्या हो गया, बी, घास हिरण और शेर, हाँ या ना, क्या हो गया आंसर 40 का, बी। चलिए नेक्स्ट, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ऊर्जा का स्रोत का प्रमुख स्रोत होता है कौन होता है भैया, 41, बिल्कुल सन, है ना, बहुत बढ़िया आंसर किया है किसी ने, सरिता कुछ ने, बहुत बढ़िया, आपने पूरा इमेज बनाकर बता दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारे यहां सूरज की रोशनी है, पौधों ने इससे अपना खाना बनाया, खाना फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर थर्ड कंज्यूमर के पास जा गया, फिर ये डीकंपोजर्स, हाँ या ना। तो यहां पर जो पौधे हैं वो सनलाइट की ऊर्जा से अपने लिए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बना रहे हैं, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा वो क्या होगा, वो होगा सन होगा, क्लियर है, उसका याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज एन ईवीएस टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, to provide fun and enjoyment to students, to have a change in monotony of routine teaching schedule, to satisfy parents on the quality of education, ये हो गया। अब इसको pause करके आप English वाला देख लीजिएगा, अब हिंदी में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन EVS के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, पहला विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ या ना, लर्निंग एक्सपीरियंस, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, ठीक है, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकर सत्ता को बदलना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, क्या होना चाहिए भैया, क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ या ना, जब बच्चों को जू लेकर जाएंगे तो बच्चे एक्टिवली देखेंगे चीजों को, और भाई ये तो शेर है हमने बुक में देखा था, ये तो हिरण है हमने बुक में देखा था, तो बच्चे बेहतर तरीके से क्या करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, तो इसका आंसर हो गया ए, क्या हो गया इसका आंसर, ए हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the sedimentary type of biogeochemical cycle? निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है? लास्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है आपके, हाँ या ना, पर्टिकुलर सहायक शिक्षक के और शिक्षक में भी ये यूनिट दिया गया है, दोनों में ही है, राइट? देखिए कौन सा है, फॉस्फोरस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दो तरह की साइकिल होती हैं, साइकिल का मतलब हो गया हमारे वाता हमारे हमारे पर्यावरण में हर चीज फिर से बनती चली जाती है, पर्यावरण अपने आप को पर्टिकुलर फिर से करेक्ट कर लेता है, जैसे पर्टिकुलर कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है, ये सभी साइकिल जो होते हैं ये होती हैं गैसियस साइकिल, कौन सा साइकिल, गैसियस साइकिल, है या ना, ये गैस साइकिल है, गैस चक्र है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर सभी एक गैस साइकिल के अंतर्गत आते हैं, कौन साइकिल, गैस साइकिल के अंतर्गत आते हैं,
जबकि सेडिमेंट्री जो रॉक्स के अंदर मिली होती हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। अब सेडिमेंट्री साइकिल में आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें पर्टिकुलर आप देखेंगे तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें किस में दिखाई देंगी आपको? सेडिमेंट्री में दिखाई देंगी। हाँ या ना? तो कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो इसमें, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये गैसीय साइकिल। दूसरा साइकिल क्या हो गया? सेडिमेंट्री साइकिल। तो औषधि प्रकार की जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत आती हैं। क्या फॉस्फोरस आएगा? आएगा। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा? नहीं, ये गैसीय चक्र हो गया। क्या ऑक्सीजन आएगा? गैसीय चक्र हो गया। नाइट्रोजन भी गैसीय चक्र हो गया। फॉस्फेट सेडिमेंट्री है, औषधि है, पर नाइट्रोजन क्या हो गया? गैसीय हो गया। फॉस्फोरस एंड सल्फर ठीक है, दोनों ही सेडिमेंट्री है, और इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। कौन सा हो गया? डी। 43 का डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एनवायरनमेंट। कौन सी चीजें इसमें एनवायरनमेंट के घटक के तौर पर आती हैं? कौन कौन सी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए। कौन सी चीजें आएंगी भैया पर्यावरण के अंतर्गत? बहुत बढ़िया, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण सभी चीजें आती हैं। हाँ या ना? एक प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, एक मानव पर्यावरण हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण में सब जीवी, पर्टिकुलर जीवित और अजीव चीजें सभी आ गई, जबकि मानव पर्यावरण के अंदर उसका समाज आ गया, आर्थिक चीजें आ गई, राजनीतिक चीजें आ गई, सांस्कृतिक चीजें आ गई, तो उसमें सारी चीजें आ गई। हाँ या ना? तो सभी चीजों को मिलकर मिल जाता है, तो सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो उपरोक्त सभी उसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्कीमा पढ़ा था हमने, नेक्स्ट है स्कीम। ठीक है, पहला आपने क्वेश्चन जो देखा था वो था स्कीमा, अब यह है स्कीम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का करिए आंसर। 45 का आंसर, 45 एक आंसर देखा स्कीमा, दूसरा देखा स्कीम, तो 45 का आंसर करिए। एक समान स्थितियों पर अनेक क्रियाओं की व्यापकता, एक समान स्थितियों पर किसी एक क्रिया की व्यापकता, असमान स्थितियों पर अनेक क्रियाओं की व्यापकता, और असमान स्थितियों में किसी एक क्रिया की व्यापकता, है ना? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 45। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए इसका आंसर करते हैं। 45 का हो गया ए, 45 का आंसर है ए। अब यहां बोल रहा है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक कह रहा है एक समान स्थितियों पर अनेक क्रियाओं की व्यापकता, और यहां पर बोल रहा है एक समान स्थितियों में किसी एक क्रिया की व्यापकता। एक ही चीज बार बार करोगे तो नहीं सीखोगे ना। एक समान स्थिति रखो और उसको लेकर अनेक क्रियाएं करो, अलग अलग क्रियाएं, तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे अपने अनुभव से। हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ नया, तो एक समान स्थितियों पर किसी एक क्रिया की व्यापकता नहीं, इससे नहीं सीखोगे। किससे सीखोगे? एक समान स्थितियों पर अनेक क्रियाओं की व्यापकता, अलग अलग क्रियाओं की व्यापकता। तो अनेक क्रियाओं की व्यापकता, तो बहुत सारे क्रियाओं करोगे एक समान स्थितियों में, तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे? पर्टिकुलर स्कीम। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए, 45 ए हो गया। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, मैं बीच में बात कर चुका हूं इस पर। तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? कैरोटीन, निकोटीन, साइकोटीन, प्रोटीन। हाँ या ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 46, तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है भैया? तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तो 46 का बी, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि तंबाकू निकोटीना तैबकम नामक प्लांट से पाया जाता है। हाँ या ना? नाइट सेट्स उसकी फैमिली है, या सलनेस उसकी फैमिली है, या नाइट सेट्स भी कहा जाता है उसको, और इसीलिए तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। हाँ या ना? तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? हाँ या ना? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए,
शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 47 आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। टाइम कम है तो इसीलिए पर्टिकुलर मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, तो सी है। तो निरंतर मूल्यांकन से जैसे एग्जांपल के लिए कि आप बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे, तो बार बार जितने बार आप क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन लगाने के बाद एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बार बार टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका मूल्यांकन होता जाएगा और एक समय आएगा कि आपके मन से वो डर भय खत्म हो जाएगा एग्जाम को लेकर। जो एग्जाम में बैठकर आपको मन में डर था वो मन से डर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज वही फायदा देता है आपको और टेस्ट सीरीज क्या है, मूल्यांकन की एक पद्धति ही तो है। तो मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय क्या नहीं रहता है, हाँ या ना, अनावश्यक भय समाप्त हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है तो 47 का सी। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट रीडिंग ऑफ मैप्स। नक्शों को पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इन नक्शे को लेकर क्वेश्चन है, हाँ या ना, कि नक्शे को लेकर देख लेते हैं, नक्शे को लेकर देखिए कि नक्शों को पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, नक्शे में नजरिया का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है, नक्शा पर्टिकुलर टू डायमेंशनल द्विमी होता है, द्विमी होती है। कौन सा है इसका आंसर 48 का, ठीक है बिल्कुल, नक्शे में नजरिया का असर होता है, ये गलत है बिल्कुल। नक्शे में नजरिया का कोई असर नहीं होता है, नजर या दृष्टिकोण का आपके विजन का जो असर दिखाई देगा वो चित्र में दिखाई देगा, पिक्चर्स में दिखाई देंगे, वो मैप्स में दिखाई नहीं देंगी, नक्शे में नहीं दिखाई देंगी। तो ध्यान रखना है, नक्शे में दृष्टिकोण का या फिर नजरिए का कोई भी महत्व नहीं होता, नजरिए का महत्व होता है चित्र पर, कि एक छोटा सा बच्चा जब अपने पिता को देखता है तो वो अपने नजरिए के हिसाब से पिता का फोटो बना लेता है, पर अगर वो अगर कोई नक्शा बनाएगा तो नक्शा सभी के एक जैसे ही बनेंगे, वहां पर नजरिए का फर्क नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन 48 का आंसर हो गया ए, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, शारदा अधिनियम, ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बिल्कुल बाल विवाह 1929, ईयर भी याद रख लेना, बाल विवाह को लेकर कानून लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए, तो इसी को बोला जाता है शारदा एक्ट, या बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून लाया गया था उसी को हम कह रहे हैं शारदा एक्ट। तो चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कानून लाया गया था जिसको हम शारदा अधिनियम कहते हैं। बाद में इसमें चेंजेस लाई गई थी, फिर एज में बदलाव आया था बाल विवाह के इन 1949, फिर भारत सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किया था, फिर भारत सरकार ने इसके जगह पर एक और कानून को लागू कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, बायोमास को लेकर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है किसको लेकर है, बायोमास। तो बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड, ध्यान रखना ना किसको लेकर पूछा जा रहा है, बायोमास को लेकर पूछा जा रहा है। तो बायोमास का उल्टा पिरामिड किसको लेकर पाया जाता है, ठीक है, बायोमास का उल्टा पिरामिड कहां पाया जाता है, उल्टा बोला गया है ना, उल्टा पिरामिड, बायोमास का उल्टा पिरामिड पाया जाता है कहां पाया जाता है, तो मरीन इकोसिस्टम में। मरीन इकोसिस्टम का पिरामिड कुछ इस तरीके का बनता है, क्योंकि बायोमास के आधार पर बोला जा रहा है, तो मास सबसे कम किसका हो गया, फाइकोप्लांकटन का, फाइटोप्लांकटन का, फाइटोप्लांकटन के बाद कौन आ गया, जूप्लांकटन आ गए, जूप्लांकटन के बाद पर्टिकुलर फिर फिश एंड ऑल आ गए, और इधर फिर शार्क एंड ऑल आ गए। तो अब यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे पर्टिकुलर मास बढ़ता चला जाता है मरीन इकोसिस्टम में, जितना नीचे जाते हो मास उतना ही कम होता चला जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे मास बढ़ता जाएगा, इसलिए पिरामिड उल्टा बनता है। तो बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है मरीन इकोसिस्टम में या समुद्री या महासागरीय इकोसिस्टम में, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 52 क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, ये 51 है, इसके बाद एक और क्वेश्चन
फिर मैं क्लास वर्क करूंगा। परिवार और समुदाय महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि द फैमिली एंड द कम्युनिटी आर इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बिकॉज यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 का। बहुत बढ़िया, तो 51 का हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो वास्तविक, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है, निम्न से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है, कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतर पर्टिकुलर नक्शे को चित्र से अलग करता है। ठीक है, एक्चुअली अभी बहुत टाइम तो हमारे पास है नहीं कि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो 52 का क्या हो गया, 52 का आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, 52nd का आंसर आप लोग कर रहे हैं बी। नो भैया, बी नहीं होगा 52 का, 52 का होगा डी। तीनों ही अंतर है किसके, चित्र और पैमाने के, चित्र और नक्शे में, चित्र में दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है जबकि नक्शे में, अभी मैंने बताया दृष्टिकोण का, कोरोपा वही प्रभाव नहीं पड़ता, अभी एक थोड़ा एक क्वेश्चन पहले बताया मैंने, नजरिए का या दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता नक्शे में, नक्शा पैमाने पर आधारित होता है जबकि चित्र पैमाने पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों आंसर तो सही है, और निरूपण का प्रकार, दोनों के निरूपण के प्रकार भी अलग होते हैं, नक्शा हमेशा 2D में होता है जबकि चित्र जरूरी नहीं है कि वो 2D में ही हो, 2D या 3D दोनों में हो सकता है, जबकि नक्शा हमेशा 2D में होगा, है ना, 2D होगा, पैमाना चाहिए नक्शा के लिए जबकि चित्र के लिए, नक्शे के लिए सॉरी चित्र के लिए पैमाना उतना जरूरी नहीं है। दृष्टिकोण की अगर बात करें तो दृष्टिकोण दोनों में अंतर होता है, दृष्टिकोण का चित्रकोर में एक दृष्टिकोण होता है जबकि नक्शे में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 52nd का है ना, 52nd का अगर हम आंसर देखें तो 52nd का आंसर हो गया डी। तो ये आज मैंने आपके साथ 52 क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें से मैंने सभी यूनिट से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन लाकर सॉल्व कराने की कोशिश की है कि हर यूनिट का थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से मिल सके। ठीक है, आप बेहतर करिए एग्जाम में, इस पर्टिकुलर हमारे जो कोचिंग के द्वारा रेला यूट्यूब क्वेश्चन आंसर सीरीज के द्वारा चलाई जा रही है, ये इसका आपको फायदा मिले और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए, है ना, और फिर सेलेक्ट होकर फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फिर, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को, थैंक यू सो मच।